Meanwhile, protests have erupted in JNU against the demolition of Afreen Fatima's home in Delhi. India Today's Santosh Kumar has caught up with Fatima's sister on this. Let's have a listen. Sumaiya, आपके पापा की एक वेलफेयर पार्टी से भी जुड़े हैं, क्या ये वेलफेयर पार्टी का काम है, कब से जुड़े हैं? जी, वो उस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और 2010 में शायद वो पार्टी फॉर्म हुई थी और वो तभी से उस पार्टी में जुड़े हुए हैं, मतलब शुरू से उसमें रहे हैं। और वो जेएनयू में भी कोई पढ़ता है आपके परिवार का? जी, हमारी बहन पढ़ती थी। जी, अभी क्या कर रही है वो? उनका एमए कंप्लीट हो गया है, वो पीएचडी की तैयारी कर रही थी, उनका कुछ दिनों में एग्जाम था, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर। जी, उनका, हाँ, उन्हीं का जी, पीएचडी का उनका एग्जाम था कुछ दिन बाद, और इन सब में अब वो फंस गई हैं कि अब वो पता नहीं एग्जाम दे पाएंगी भी कि नहीं दे पाएंगी। जो पुलिस का कहना है कि जो जेएनयू में जो उमर खालिद है, उमर खालिद से भी कनेक्शन है, उमर खालिद से भी कोई मतलब बातचीत होती थी, क्या इस टाइप से उमर खालिद के पिताजी जिस वो भी इसी पार्टी से जुड़े थे, कुछ ऐसा है? उमर खालिद के पापा से एसक्यूआर इलियास से हमारे अब्बू के संबंध थे, लेकिन उमर खालिद से पर्सनली हमारे घर के किसी का रिलेशन नहीं रहा है, क्योंकि कभी साबका ही नहीं पड़ा। बस उनके पिताजी को जानते थे और पिछले 3-4 साल से तो वो खुद ही जेल में है, तो उनसे क्या ही साबका होगा। और वो जब जेएनयू से पास हो गए थे तब आफरीन अपी का एडमिशन हुआ था, तो ये भी नहीं कि कहीं से जान पहचान हुई हो। अच्छा, जो उमर खालिद के पिता हैं वो कभी आते थे घर पर? आते जी जी, कई बार आए हैं हमारे घर, कई बार आए, उसी पार्टी के हैं, वो प्रेसिडेंट हैं तो जिला अध्यक्ष के घर तो आएंगे ही।